हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार और आपका स्वागत है बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग में। वो है Zenfone Max Pro की। तो इसके लिए चीयर्स और बिना टाइम वेस्ट करे अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है Zenfone Max Pro का बॉक्स। अब इसको स्लाइड करेंगे और देखेंगे अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसको रखते हैं अभी साइड में। सबसे ऊपर रखा हुआ है व्हाइट कलर का बॉक्स। इसके अंदर खोल के देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ओहो, बहुत ही टाइट तरीके से पैक कर सिम इजेक्टर टूल रखी हुई है और नीचे थोड़े से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे Asus का वारंटी कार्ड, IMEI नंबर वाले स्टिकर्स और नीचे है हमारी यूजर गाइड। अब ये सब कुछ पैक कर एक साइड में रख देता हूँ और सिर्फ फोकस करते हैं फोन के ऊपर। अब फोन को बॉक्स में से उठाता हूँ, बहुत वेट हो गया। आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली में दिखने में कैसा है। वैसे ये है Redmi Note 5 Pro जैसा, मैंने इसको पहले से देखा हुआ है। अब Redmi Note 5 Pro जैसा क्यों वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उससे पहले इसका रैपर हटाता हूँ और आपको इसका लुक दिखाता हूँ। फाइनली वेट खत्म। अपना ये है Zenfone Max Pro, बहुत ही सॉलिड लुकिंग है और सिमिलर है Redmi Note 5 Pro से। वही मेटालिक बैक पैनल है। एक काम करता हूँ, ये स्टिकर हटाता हूँ, उसके बाद इसका लुक दिखाता हूँ। मैं तो यार अभी से इमेजिन कर गया इसमें कितने सारे फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसमें 2.5D ग्लास देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है फोन को फ्रंट से। अब फोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये मैंने किया इसको पुल और हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं एक चार्जर और एक USB केबल। ये USB केबल हमें वाइट कलर में देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी है और सच में अच्छी क्वालिटी की है। और अगर हम बात करें इसके चार्जर की, तो ये नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। फोन को फर्स्ट टाइम बूट करते हैं पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा आता है और उसके बाद Asus। इसको मैंने पूरा सेटअप कर लिया। मैं आपको बताता हूँ इसमें स्पेशल क्या है। हमें इसमें देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड और एक और इंटरेस्टिंग बात, हमें इसमें फालतू की एप्स भरी हुई नहीं मिलती। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हो ना, आपको पता होगा कि मैं स्टॉक एंड्रॉयड का कितना बड़ा फैन हूँ। और इस फोन के साथ हमें एक और एक्सेसरी देखने को मिलती है जिसका नाम Asus ने रखा है मैक्स बॉक्स। उसमें होता ये है कि आपको सिंपली अपना डिवाइस के ऊपर रखना है। ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है और ये आपकी ऑडियो को एम्पलीफाई करेगा। इसको मैंने टेस्ट किया था, थोड़ी सी एम्पलीफाई कर देता है ऑडियो को, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है। बट मुझे अच्छा लगा कि Asus ने कम से कम सोचा इसके बारे में और हमें ये बॉक्स में प्रोवाइड किया। चलो बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। इस बार हमें बिल्कुल सिमिलर डिजाइन देखने को मिलता है Redmi Note 5 Pro जैसा। वही एंटीना बैंड्स के पार्टीशन है ऊपर और नीचे की तरफ, जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। पर इसमें एक खास बात है कि हमें इसमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है और स्टिल ये फोन बहुत ही थिन है। इसकी बैटरी के हिसाब से ओवरऑल बहुत ही सॉलिड फीलिंग देता है, बट एक कमी मुझे ये लगी कि हमें इसमें फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक कलर तो स्मजेस बहुत ज्यादा दिखते हैं इसमें। और फोन के नीचे हमें देखने को मिलता है नीचे एक हेडफोन जैक, एक स्पीकर और माइक्रो USB पोर्ट। मैं फिर से सेम बात कहूंगा, 2018 आ चुका है, टाइप सी होना चाहिए। एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको याद है मैंने कहा था कि Redmi Note 5 Pro में कैमरा बंप है, जो कि आप फ्लैट सरफेस पर रखो तो बहुत दुखी करता है। इसमें वो कैमरा बंप हटा दिया गया है, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इसके डिजाइन का। डिजाइन के बारे में लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि यार बहुत अच्छा डिजाइन है, जैसे Redmi Note 5 Pro का था इसका भी वैसा ही है। चलो बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलती है 5.99 इंच की डिस्प्ले फुल HD प्लस, जिसका रेजोल्यूशन है 2160x1080। पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस फोन का ये है कि हमें इसमें गोरिल्ला ग्लास देखने को नहीं मिलता। आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मेरा फोन इस टेबल पे रखा हुआ था और वाइब्रेशन की वजह से नीचे गिर गया था और उस टाइम मुझे लगा था कि इसमें गोरिल्ला ग्लास नहीं है तो टूट गया होगा, बट नहीं टूटा था। बट काश हमें इसमें गोरिल्ला ग्लास दिया होता। और दूसरी बात यह कि इसकी ब्राइटनेस बहुत कमाल की है, 450 निट्स की है, बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है, डेलाइट में भी बहुत अच्छे से दिख जाती है। चलो बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलता है 13+5 MP कैमरा, जिसमें 5 MP वाला डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा है। ये कुछ फोटोज जो मैंने इस फोन से खींची थी, आप खुद ही जज कर लो इसका कैमरा कैसा है। वैसे Asus ने हमें कहा था कि अभी इसका कैमरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट एक अपडेट के बाद ये सारी फोटोज मैंने खींची है, तो आप खुद ही जज कर लो आपको पसंद आई या नहीं। ऐसा Asus ने प्रॉमिस किया है कि इसका कैमरा बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा जब तक ये मार्केट में आएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब ये फोन है ना स्पेसिफिकली इंडिया वालों के लिए बनाया है और इंडिया वालों को बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, Asus ने बात बार बार बोली थी। तो इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। हमें इसमें देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। कमाल की बात क्यों? क्योंकि इस फोन की थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं है इसकी बैटरी के हिसाब से। पता नहीं Asus ने कैसे कर दिया कि इतनी कम थिकनेस के साथ भी 5000 mAh दे दी। मुझे इस फोन से मिला पूरे 2 दिन का बैटरी बैकअप, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। चलो बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलता है Snapdragon 636, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज और Adreno 509 GPU। इस फोन को यूज करते हुए मेरे को काफी टाइम हो गया है। अभी बहुत ही अंडर कंस्ट्रक्शन था ये फोन, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इसकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी। अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें पबजी का पूरे 1 घंटे का गेम प्ले होगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। चलो थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं इस फोन के बारे में। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना फास्ट नहीं है, अगर इसको बंद स्क्रीन से आप टच करोगे तो पूरे 1 सेकंड का डिले आता है। दूसरा यार बहुत ही खास फीचर है, इसका ऑडियो का आउटपुट बहुत ही कमाल का है, वायरलेस में और वायर्ड में भी। तीसरी बात यह कि हमें इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बोला था कि Asus बार बार ये कह रहा था कि इंडिया वालों के लिए बना है, तो ये बात सच में सही थी। और लास्ट बात यह कि हाँ ये वोल्टी को सपोर्ट करता है और इसमें सारे तरीके के सेंसर्स हमें देखने को
को मिल जाते हैं। तो ये थे मेरे कुछ इनिशियल इंप्रेशन Zenfone Max Pro के बारे में। अभी तक मेरे को ये डिवाइस बहुत ही कमाल का लगा है और बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपको फुल रिव्यू के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करके टेक गैंग को ज्वाइन कर लो। हम क्वालिटी में भी रखते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।